हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेसन का हलवा बताने जा रही हूँ। बेसन का हलवा बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। जब भी आपके घर में गेस्ट आए, आप बेसन का हलवा उन्हें बनाकर बिल्कुल दे सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेसन का हलवा बनाने के लिए बेसन, ड्राई फ्रूट्स में आप अपने पसंद के कोई भी नट्स यूज कर सकती हैं। मैंने बादाम और काजू लिया है। दूध की जगह चाहें आप तो आप पानी यूज कर सकती हैं। पीसी हुई चीनी, घी की जगह आप तेल और बटर यूज ना करें, घी ही यूज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसन का हलवा बनाना। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में 4 चम्मच घी डाल दिया है। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम बेसन डालेंगे। बेसन को हम बिल्कुल चलाते हुए भूनेंगे, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसमें लंस हो जाएगा। इसलिए बेसन को अच्छे से चलाते हुए हमें ब्राउन करना है, इसका कलर जब तक चेंज ना होने लगे। बेसन को बिल्कुल हम इसी तरह भूनते रहेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। इसे बिल्कुल अच्छे से चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, वरना ये जल जाएगा। बेसन का हलवा बहुत ही जल्दी बन जाता है। जब भी आपके घर में गेस्ट आ जाए, आप बहुत कम ही सामान में और तुरंत उसे रेडी करके उन्हें खिला सकती हैं। ये खाने में भी बिल्कुल टेस्टी होता है। सूजी का हलवा तो नॉर्मली हम खाते ही हैं, लेकिन बेसन का हलवा जरूर बनाएं। इसमें हम पीसी हुई चीनी डाल देंगे। आप चाहें तो नॉर्मल चीनी भी यूज कर सकती हैं, लेकिन पिसा हुआ चीनी डालने से ये जल्दी रेडी हो जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। देखिए बेसन हमारा बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुका है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। जब भी आपका बेसन अच्छे से भून जाएगा तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो चलिए इसमें अब हम दूध डाल देते हैं। अब दूध की जगह चाहें तो पानी भी यूज कर सकती हैं। इसे बिल्कुल चलाते रहना है। दूध डालने से बेसन का जो हलवा है वो बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसे तो बेसन का हलवा पानी में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूध डालने से इसका स्वाद ज्यादा ही पड़ जाता है। इसी तरह हम चलाते रहेंगे इसे इसी तरह बिल्कुल चलाते रहें। किनारे से भी इसे छोड़ाएं। देखिए ये फैलने लगा। कढ़ाई से बिल्कुल अलग होने लगा है, आपस में सटने लगा है। इसे हम इसी तरह चलाते रहेंगे। इसमें हम ड्राई फ्रूट सब डाल देते हैं। देखिए हलवा बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहें तो केसर भी यूज कर सकती हैं, केसर से कलर बहुत अच्छा आता है हलवे का। कढ़ाई हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, हलवा भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। 1 चम्मच घी इसमें हम ऊपर से डाल देंगे, इससे स्वाद और बढ़ जाता है हलवे का। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बेसन का हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए कितना स्वादिष्ट बना है और ये बहुत कम ही टाइम में बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी बेसन का हलवा बनाइए, खाइए और मुझे बताइए आपका बेसन का हलवा कैसा बना था।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।